हो सकता है वो बेगुनाह। ओके सर। हेडक्वार्टर्स। हेलो सर, व्हाट्सएप जी। जी सर, मैं थैंक यू सर, मुझे जाना पड़ेगा, वो ब्लैक मनी का केस है, उसमें कॉम्प्लिकेशन आ गया। तुम लोग ये केस कंटिन्यू करो। सर आप नहीं होते तो केस यहाँ तक नहीं पहुँचता। जहाँ जहाँ पे लोग करप्शन फैला रहे हैं वहाँ वहाँ से कल पहुँचे, कल से मुझे जरूरत है। सर पर्दे पर सिंघम है, छोटे पर्दे पर सीआईडी है। और हाँ, ये एक दया भी हमारी फिल्म में है, तो केस सॉल्व करने के अलावा मैं यहाँ आता हूँ और दया को ले जाता हूँ कि कल से मैं मुझे ज्वाइन कर लो। एंड दैट्स हाउ यू विल सी हिम सिंघम। यार एक ही दरवाज़ा तोड़ा है मैंने, यहाँ कितनी बार तोड़े तुमने? यहाँ पर तो गिने नहीं, वहाँ पर एक ही तोड़वाया। जैसा मैंने कहा कि कुछ अगर बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा तो व्हाई नॉट। इसमें भी ये इन्वेस्टिगेशन दिखा रहे हैं और काफ़ी रियल इन्वेस्टिगेशन दिखाते हैं। हमारी फिल्म में भी इन्वेस्टिगेशन है और उसके अलावा जो टेलीविजन में गाने नहीं होते वहाँ गाने हैं, वहाँ ड्रामा अलग है, यहाँ ड्रामा अलग है। अनुभव बहुत अच्छा है सिंघम में, सिंघम फर्स्ट भी देखा था और अजय जी के वैसे हम सब फैंस हैं और जो इंटेंस रोल में जो करते हैं हम वाकई में इनके कायल हैं, तो इसके बारे में बोलना बहुत छोटी बात है, सब जानते हैं। और रोहित सर और अजय के साथ सीखने को मिलता है काफ़ी और वही हम कर रहे हैं, आगे भी देखते हैं कुछ। हम भी बहुत बड़े फ़ैन हैं अजय सर के और ये एक ट्रीट है सीआईडी के लिए, जो स्टार आते हैं इंटीग्रिटी जो एपिसोड्स होते हैं उसमें ये एक बोनस होता है हमारी ऑडियंस को एक स्टार के साथ, स्पेशली एक फिल्म सिंघम के साथ, क्योंकि वो और सीआईडी दोनों हाँ एक साथ यू नो एक जैसी एक मिलता जुलता है, पुलिस के पुलिस पे सीआईडी है। तो आई थिंक या इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, आई लव दैट सॉन्ग और हनी नेवर डिसअपॉइंट्स। तो आई थिंक उन्होंने गाना बहुत अच्छा बनाया और आत्मा जी सटकली पे बहुत अच्छा गाना बनाया। ऐसे कोई नंबर पूछे तो नंबर नहीं पता, बट फिल्म हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें। वन लोगों को पसंद आए, रिटर्न्स और ज़्यादा पसंद आए, बस इतना ही चाहते हैं।